को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना भारी समर्थन मुझे दिया, जो जिसका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा, और मैं उनके इस दिए हुए वोट को मैं काम में तब्दील करूँगा और पूरी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं वार्ड की उन्नति और तरक्की के लिए काम करूँ। सुरेंद्र जी, एक सवाल है कि अब ये जो प्रचंड बहुमत की ओर जो है कांग्रेस पार्टी बढ़ी है, आखिरकार जनता ने क्या देखा ऐसा कांग्रेस में, क्यों आखिरकार जनता ने आपको जो है वो यहाँ पूरे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि 3 महीने 4 महीने पहले ही लोगों ने एक माइंड बना लिया था कि कांग्रेस को सरकार बनानी है। वो सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी, तो उसको देख करके भी काफ़ी लोग देखते हैं कि हमारी सरकार है, हम सरकार के अभी लगभग पौने 5 साल है, 5 साल के करीब 3 महीने सारे हुए हैं। तो और दूसरा रहा पिछला जो नगर निगम था, वो सारे शिमला वासियों को पता है कि आपस में लड़ाई झगड़ने के अलावा कोई काम किया नहीं। तो ये सारी रिजेंटमेंट थी लोगों की, बहुत गुस्सा भी था तो उसके प्रति। और वर्तमान में जो सरकार ने भी कई फैसले लिए, चाहे सरकारी कर्मचारी के फैसले हो या कई अन्य फैसले जो डीए देना है दूसरे, तो काफ़ी फैसले जो है जीत का श्रेय नेचुरल हमारे कांग्रेस की नीतियां और माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने 5-4 महीने में ऐसे फैसले लिए जो जनता के हित के लिए थे। सुरेंद्र जी, लगातार आरोप लगते रहे हैं, आखिरी दिन तक जो है वो भाजपा आरोप लगाती रही है, चाहे वो बात की जाए लिस्ट को लेकर या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री वोट डालने आए थे उसको लेकर कई सवाल उठते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने समर्थन कांग्रेस को दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि वर्तमान में जो ये पहले भी होता था वोट को, या इस बार इन्होंने जो चेंज किया था, जो डिलिमिटेशन हुआ था 41 वार्डों को बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था, डिलिमिटेशन तो हुआ नहीं। 34 वार्डों को आपने काट के, उसी वार्डों को काट करके अपने इंटरेस्ट को फायदा देखने के लिए उन वार्डों को तोड़ दिया, लेकिन जो बेसिकली जो डिलिमिटेशन होती है, न्याय रही तो कोई आया नहीं, घपलेबाजी तो वहाँ हो रही थी। जब आपको मैं, अगर मेरा मकान है या मैं प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ दे रहा हूँ, मेरा मकान है तो मैं प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं क्या टैक्स देने के लिए थोड़ी रहूँगा? इसलिए लोकल अर्बन बॉडीज में जो है वो आम आदमी को, सबको ये राइट मिलना चाहिए जो कि पहले भी मिलता था, वो इसमें कोई नई चीज़ क्या हुई? भाजपा कह रही है कि बालूगंज वार्ड का जो यहाँ पे काउंटिंग हुई है उसमें जो बैलेट ईवीएम है उसमें मैच नहीं कर रहा है नंबर, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने जो है कांग्रेस से जो प्रत्याशी उनको विजय घोषित किया। देखिए ये मामला इलेक्शन कमीशन देख सकता है, लेकिन ये हार का ही हताशा, जब हताश हो जाता ना आदमी तो ये सब चीज़ें करते हैं। तो लोगों ने मत दिया है, लोगों ने कांग्रेस को भारी समर्थन दिया है, और आगे भी अभी मुझे लगता है जो आने वाले वार्ड्स हैं वो मेरे को लगता है मैक्सिमम सारे में कांग्रेस जीत रही है। आपको लगता है कि भाजपा के प्रति गुस्सा लोगों का नहीं टूटा? नेचुरली गुस्सा तो हो गई, रिजेंटमेंट तो थी, 3 महीने पहले लोगों ने वैसे नकार दिया है, तो अब नगर निगम कांग्रेस की बननी निश्चित थी, क्योंकि जो आदमी जिन्होंने अभी लोगों ने पिछले 3 महीने पहले इस सरकार को बदला है, तो वर्तमान में भी नगर निगम जो है कांग्रेस की बनने जा रही है।